हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। वेलकम टू संतो क्लासेस। आई होप यू ऑल वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हो, लेक्चर्स भी देख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं द मेरिट्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग के। बेसिकली लीज फाइनेंसिंग के क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक, इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने लीज फाइनेंसिंग का मतलब पढ़ लिया है। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर देख लो, जिससे कि उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स अच्छे से आप समझ सको। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमने जो एग्जांपल लिया था उसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे, जिससे कि हमें मदद मिलेगी इसके मेरिट्स को समझने में। हमने क्या लिया था कि मेरा एक दोस्त है अमित, ठीक है, और मैंने उसको अपने क्या दिए थे, स्पीकर्स। तो अमित कौन हो गया, लेसी, और मैं कौन हो गया, लेसर। ठीक है, क्लियर। अब क्या बात रही, सबसे पहला इसका जो मेरिट आया है, इट इनेबल्स द लेसी टू एक्वायर द एसेट विद लो इन्वेस्टमेंट। अरे भाई, मैंने अपना, मेरा जो स्पीकर्स थे मान लो 20,000 रुपए के थे, ठीक, मैंने कहा ठीक है अब मैं उससे 20,000 थोड़ा लूंगा, मैं उससे एक स्पेसिफाइड अमाउंट ले रहा हूं। 20,000 रुपए नहीं ले रहा हूं, एक स्पेसिफाइड अमाउंट ले रहा हूं। इसका मतलब कि जो लेसी है वो एक्वायर कर लेता है किसी भी एसेट को विद लो इन्वेस्टमेंट। अब उसको 20,000 रुपए नहीं खर्चने, वो थोड़ी सी अमाउंट देके मेरे उन स्पीकर्स को यूज कर पा रहा है, जो उसका काम था वो उसको कर पा रहा है इजिली। ठीक, तो लेसी जो है कुछ पैसा इन्वेस्ट करके, थोड़ी सी ही पैसे की पेमेंट करके एसेट्स को एक्वायर कर लेता है, एसेट्स का यूज कर सकता है लीज फाइनेंसिंग की वजह से। पहला मेरिट। दूसरा, द लीज एग्रीमेंट डज नॉट अफेक्ट द डेप्ट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज। लीज एग्रीमेंट की वजह से किसी भी एंटरप्राइज की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो डेप्ट रेजिंग कैपेसिटी होती है वो अफेक्ट कहीं से कहीं तक नहीं होती। क्लियर। द थर्ड इज, इट प्रोवाइड्स फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। मैंने अपना स्पीकर अमित को दे दिया, ऑनरशिप भी मेरी है, ठीक है, उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल भी मेरा है, मेरे को पैसे भी मिल रहे हैं। इसका मतलब कि मेरे को एक फाइनेंस का रास्ता खुल गया, सोर्स ऑफ फाइनेंस खुल गया, सोर्स ऑफ फंड का एक रास्ता खुल गया, और मैंने अपनी ऑनरशिप भी नहीं खोई, मैंने अपना कंट्रोल भी नहीं खोया। ये बेनिफिट है लेसर को। नेक्स्ट, नो नीड टू वरी अबाउट द राइजिंग इंटरेस्ट रेट थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। फिक्स्ड मंथली पेमेंट्स मेक बजटिंग इजियर। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मैंने आज तो कह दिया कि भाई 2,000 रुपए दे दे, अगले महीने कह दिया 3,000 दे दे, अगले महीने कह दिया 1,000 दे दे, नहीं। एक स्पेसिफाइड जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएट नहीं करता, फिक्स रहता है कि भाई इतना है तो इतना ही देना है बस। तो इसलिए यहां पर बजटिंग इजियर रहता है दोनों पार्टीज के लिए। नेक्स्ट इज, द लीज कॉन्ट्रैक्ट मे रिड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी। ये जो लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है इसकी हेल्प से बहुत सारी तरह की अनसर्टेनिटीज का भी रिड्यूस हो जाती है, उनका रिस्क भी घट जाता है। क्लियर। आई होप आपको मेरिट्स ऑफ लीज फाइनेंसिंग अच्छे से क्लियर है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में भी बहुत बार पूछा जाता है और वैसे क्वेश्चंस में भी आ जाता है। ठीक, आई होप आपको टॉपिक क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ भी पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, g.nirmit के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।